नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कन्नौज रिपोर्ट, धर्मेंद्र सिंह। मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव, दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुआ बवाल, बवाल में लाठी डंडे पत्थर चले। बिजली के तार को बदलने को लेकर हुआ बवाल, मौके पर पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद और जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा पहुंचे। आजाद नगर मोहल्ला छावनी में हुआ तब्दील, पुलिस अधीक्षक कन्नौज में पूरे क्षेत्र को पुलिस बल के साथ किया घेराव। कन्नौज जनपद के समधन के आजाद नगर मोहल्ले की घटना। किस तरह की घटना हुई है? ये आजाद नगर मोहल्ला है समधन कस्बे का, यहाँ पे बिजली को तार को काटने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष हैं के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें कुछ पत्थरबाजी वगैरह हुई है। अभी तक किसी व्यक्ति के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पहुँची है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ की जा रही है। हमने जब आपको कॉल की थी तब ये इस साइड पत्थर चल गए, उसके बाद हमने कहा हम जब छत के घर देगा मना किया, तो हमने कहा आपको हमने वीडियो बना के भी डाल देंगे, सबकी सबकी खबर, हम सबकी फोटो बताए, हम सब तो यहाँ किसी पहचानते नहीं, हम जानते साल छः महीने में आते हैं। क्यों हुआ ये बिजली का कुछ विवाद चल रहा है इनका कई दिन से, ये जो पता चला है।